आज मैंने फाइनली सोचा कि उसकी अलमारी जो है ना ठीक कर देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, बहुत ज्यादा कपड़े फैले हुए थे। देखिए बेड पे ना कितने सारे कपड़े हैं। थोड़े बहुत तो मैंने फोल्ड करके भी रख दिए, और काफी दिनों से सोच रही थी कि इसको सेट कर देती हूँ। मैंने काफ़ी दिनों से सोची थी उसकी अलमारी को सेट करूं, तो आज फाइनली मुझे टाइम लगा है। अभी 12:15 हो गए हैं और अभी मैंने थोड़ी बहुत तो सेट कर दी है, इसे फोल्ड करके रख दिया वहाँ पे, और थोड़े बहुत यहाँ पे हैं जो मेरे थे वो मैंने अलग से कर दिए। ये भी मेरी कुर्ती थी लेकिन उसको पसंद आती है ना तो वो ले लेती है जो भी उसको पसंद आती है। और उसके स्कूल में था कुछ प्रोग्राम ना, कुछ अवार्ड वगैरह मिलना था उनको, तो उसमें जाना था। तो स्कूल वालों ने एकदम से मैसेज डाला कि आपको फॉर्मल कपड़ों में आना है, फिर ये मेरी कुर्ती थी, मैंने नई ली थी। फिर मैंने रात को इसको अल्टर करके उसके साइज का किया, मुझे बहुत पसंद थी हरा कलर ना इसका, बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही हूँ अंदर से लाइया मैंने थोड़ी ना मोटी मोटी दी थी, तो इसको खोल के खुद का वापस कर दूंगी। ये देखिए तो वो कॉलेज चली गई है। और जो मैंने रेड कलर की ना करवा चौथ पे पहनी थी वो वाली भी उसको बड़ी पसंद आई थी, जो मैंने सुबह में पहनी थी वो भी वो ले गई है, उसको वो बहुत पसंद आई, मम्मी ये वाली कुर्ती तो मुझे दे दो। और बाकी थोड़े बहुत जो है जो पहनती है उनको रखूंगी और थोड़े बहुत निकाल दूंगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं ना ऐसे जो वो पहनती नहीं है और थोड़े छोटे भी हो गए हैं, टाइट वगैरह हो गए हैं, तो उनको तो मैं निकाल दूंगी अभी। तो देखिए अभी ये सब ना, ये तो मैंने कर दिए कपड़े सारे सेट, मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छे लग रहा है पहले से। और अभी मैंने नीचे का जो ये ड्रॉअर है ये भी खाली कर दिया, इसमें ये सारी बुक्स थी तो ये सारी अभी निकाल के रखी हैं। और इनका तो मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सी निकालनी है कौन सी रखनी है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि सारी की सारी मैं रख लूँगी और इनको अच्छी तरह से अरेंज करके रखती हूँ। तो कपड़े भी मैंने यहाँ पे सारे उसके अरेंज करके रख दिए, साइड का जो है सामान ये मैंने वापस निकाल के झाड़ के अच्छी तरह से दोबारा लगा दिया। और इस तरफ मैंने अपने कपड़े रख लिए जो ब्रीफकेस में थे ना वो वाले, और ये लास्ट ईयर मैंने ये वाली कुर्ती ली थी करवा चौथ पे, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, बहुत प्यारी कुर्ती लगी मुझे। और ये वाली कुर्ती मैं आपको क्या बताऊँ, टीवी में मैंने इतना देखा ना पहना हुआ सबको बहुत ज़्यादा, और लास्ट ईयर क्या अभी भी इतनी ट्रेंड में ही है ना, अभी भी सीरियल वगैरह में दूसरे कलरों में बहुत सारे, ग्रे कलर भी बहुत बिकता है इसका, और भी एक दो कलर मैंने देखे हैं इसके बहुत अच्छे जो मतलब जाते हैं, रेड भी मैंने बहुत ज़्यादा देखा। ये वाली कुर्ती भी मुझे भी बहुत पसंद आई थी, ये एक्चुअली में क्या शिल्पी ने पसंद की थी ऑनलाइन, कहती मम्मी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी करवा चौथ पे। बैक साइड में भी यहाँ पे हल्का सा डिज़ाइन है, यहाँ पे स्टोन नहीं दिए हुए हैं, पता नहीं क्या रीज़न है, बाकी तो और जगह स्टोन दिए हुए हैं सारे में इसमें। और बहुत अच्छी वाइट लेगिंग और वाइट ही दुपट्टा मैं इसके साथ वेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी ना मेरे साइज से बड़ी थी ये, तो मैंने इसको ऑल्टर तो किया खुद ही, मैंने घर पे ऑल्टर किया था इसको, और अभी परफेक्ट एकदम, ये देखिए ये वाली। और ये नीचे जो दिख रहे हैं, एक मैंने कुछ शादी थी वहाँ पर दमन में ही, तो वहाँ के लिए ली थी, 2 साल हो जाएंगे दिसंबर में शायद, ये वाला सूट मैंने लिया था, ये वाला, इसके साथ भी दुपट्टा है, गोल्डन लेगिंग है। और ये वाले दुपट्टे भी मैंने शादी में ही, फंक्शन था या कुछ पता नहीं क्या था तब लिए थे, तो ये मेरे ब्रीफकेस में थे, ये वाले कपड़े सारे ब्रीफकेस में थे जो मैंने शिल्पी को दिया, मैंने इनको निकाल के यहाँ पे रख दिया क्योंकि अभी काफ़ी स्पेस हो गई यहाँ पे। और व्रत वगैरह में ना ऐसे कपड़े पहनो तो बहुत अच्छे लगते हैं, रेड या फिर येल्लो, मैंने इस बार येल्लो लिया था तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तब ये बुक्स वगैरह सारी अरेंज कर लेती हूँ, और यहाँ पे कपड़ा तो मैंने मार दिया सारे में अच्छे तरह, और ये बच्चों का पिगी बैंक है यहाँ पे छुप के बैठा हुआ है ये, और ये थोड़े से ड्रॉर है, इनको भी मैं सोच रही हूँ निकाल के खाली कर देती हूँ, क्योंकि अभी तो ये देखिए कलर वगैरह सब उनके ना ऐसे के ऐसे ही हैं।
अभी यूज़ भी नहीं करते हैं इनको वो, और भी कितना सारा सामान है बच्चों की मेमोरी, ओह माय गॉड, पहले भी जान जाती थी। क्राफ्ट पेपर चाहिए, क्राफ्ट पेपर चाहिए, देखिए मैं किस तरह से ना इसे एकदम अरेंज करके देती थी उनको कि ऐसे स्कूल लेके जाना है, क्राफ्ट पेपर तो ख़राब ना होए, तो इसके अंदर सारे मैंने डाल के रखे हुए हैं। ये देखिए इस तरह से वो लेके जाती थी स्कूल क्राफ्ट पेपर, शायद क्राफ्ट पेपर ही बोलते हैं अब तो, मुझे ध्यान भी नहीं रहा है। ये देखिए कितने सारे कार्ड है, शायद बाल भवन का है ये। ओह बाल भवन भी बहुत गई है वो, बहुत ज़्यादा बाल भवन जाती थी वो, दोपहर के टाइम पे ना चली रहती थी स्कूल से आके उसका ज़रूर जाना होता था कि बाल भवन तो मुझे जाना ही जाना है। ये वाली साइड जो है ना, हाँ ये ज़्यादा नहीं खुलता है शायद, हाँ ये अखिल का है ये वाली साइड तो इसमें देखिए कलर स्कूल से उनको मिलते थे ये सारे कलर, उसके कुछ भी फेंकने नहीं देता था वो, ये पेंटिंग करने का सब, ये उसने सीखी थी स्विमिंग, तो उसका सारा सामान नहीं फेंकना, मैं आऊँगा मैं देखूँगा ये देखिए ये भी मैं फेंकने का बोलती हूँ कि फेंक देते क्या करने हैं। और एक ये उन्होंने को उनको प्रोजेक्ट दिया था कुछ बनाने के लिए ना, इसके अंदर पता नहीं क्या कुछ देखना होता था ऐसे ऐसे, क्या पता नहीं भगवान जाने स्कूल वाले भी क्या क्या करवाते थे। तो अभी टाइम ना 12:30 हो गया और 11:30 बजे लगी थी, काफ़ी देर से 1 घंटा हो गया मेरे को लगे लगे, और कितनी ज़्यादा बच्चों की मेमोरी होती है ना, याद आ जाता है सारा बचपन एकदम से, पूरा घूम गया मेरे अभी कॉलेज भी पहुँच गए चलिए शिल्पी की थोड़ी आदत थी उसकी कि अपना काम हुआ था बस बाद में देखेंगे इस चीज़ के बारे में, लेकिन अखिल का है कि हाँ वो अपनी चीज़ें मेंटेन करके रखता है। वैसे तो शिल्पी भी मेंटेन करके रखती है ऐसे नहीं, लेकिन जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तभी वो ढूंढने की ऐसे नहीं। और अखिल वाली साइड देखिए साफ भी कितनी थी, और शिल्पी चलिए ठीक है अभी कॉलेज गई है तो अभी 12th तक तो उसको चाहिए थी ये सारी चीज़ें, लेकिन चौक भी उसने कितनी सारी भर के रखी है ये स्केच वगैरह सब उसके, पेंसिल कलर ये कलर वो कलर, चलिए अच्छा लगता है ना बच्चों की ऐसे मेमोरी याद आ जाती है, पूरा बचपन घूम जाता है। हमारे मतलब स्कूल की कुछ चीज़ें हैं अभी मम्मी ने भी रखी हुई हैं घर पे, हम जाते हैं तो अलमारी में ऐसे टंगी है, जैसे टाई बेल्ट है हमारे या आई कार्ड वगैरह है, तो मैं कई बार बोलती हूँ मम्मी फेंक दो क्या करना है, तो मेरी मम्मी भी संभाल संभाल के रखती है, कहती है क्यों फेंक दूँ रहना, तो जब भी खोलती हूँ देखती हूँ तो अच्छा लगता है और सही आता है यादें होती हैं, है ना। जाऊंगी ना हिमाचल तो ज़रूर दिखाऊंगी, मम्मी ने अभी तक मेरे टांग रखी हैं सारे, मेरे भाइयों की और जो अलमारी है ना मम्मी की उसमें मैंने यहाँ पे जूही चावला की फ़ोटो लगाई हुई है तो मैं शिल्पी को एक बार दिखा रही थी कि देख मैंने ना यहाँ पे जूही चावला की फ़ोटो लगाई हुई थी, मैं छोटी थी शिल्पी से भी बहुत छोटी थी, मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट हीरोइन अभी भी जूही चावला ही है, तो मैंने उसकी 2 फोटोएँ लगाई हुई थी अलमारी में, तो मेरी मम्मी ने वो तक नहीं निकाली हैं, कहती रहने दे ना तूने याद कि रहने दे जाने दे क्यों निकाल रही है तो ये देखिए मैंने ये बुक्स वगैरह भी सारी अरेंज कर दी, और जो फेंकने वाला सामान मैंने सारा यहाँ पे निकाल के रख दिया, अब मैं इसको लिफाफे में भर के रख दूँगी, और अब मुझे यहाँ पे दोबारा से सफाई करनी पड़ेगी सारी रूम की। टाइम 2:10 हो चुके हैं और पूरी मैंने सफाई करी वापस से, अभी डस्टिंग करना बाकी है मेरी, और वो जो शीशा है ना उसको भी साफ़ करना बाकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर जो है ना पानी के निशान लग जाते हैं ये, और 2:15 हो गए हैं मुझे सफाई करते करते, क्योंकि अलमारी सेट करने में बहुत टाइम गया, सारे कपड़े फोल्ड करे हैं मैंने, फिर पूरी निकाल के सारा क्लीनिंग करी है पूरी की, फिर सारा सेट किया है मैंने, और जो निकालना था वो निकाला, फिर उस रूम में झाड़ू लगाया, बाकी घर में पोछा लगाना वो बाकी था वो लगाया, बालकनी वगैरह सब क्लीन करी है, तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। और डेजी यहाँ पे आके बैठ गई, उसने मुझे याद दिला दिया कि खाना दे दो मेरे को खाना दे दो, आए ले मेरी डेजू बेबी को भूख लग रही है भाई, भूख लग गई मेरी डेजू बेबी को, देखो ना कैसी कैसी कर रही है, मेरे को कैसी भूख लग रही है आज, ठीक और ओ शोना बेबी रुको देखो शोना बेबी खाना देती हूँ हाँ ओ रुको ठीक है, मैं आपको बर्तन लेके आती हूँ, यहाँ पे करो कुरकुरी, ओए लादू करो डेजी को पारियाँ करो, वही डेजी को पारियाँ करो, चलो ठीक है मैं भी खाना देती हूँ, ठीक है उठ के बैठो, ठीक है मैं बर्तन लेके आती हूँ डेजी का,
बालकनी में रखा है ना, मैं बर्तन लेके आती हूँ, ठीक है? हाँ उठ के बैठो, इधर ही रुकोगे? अभी आ जाओ, आज अभी खाना देना है, अभी तो डालती हूँ। हाँ यहाँ पे बैठो, लो। अभी तो क्या है ना, इसको खाना दे दिया मैंने, देखो खाना खा के अंदर आ जाना। हाँ ठीक है, खा लो। और उसने तो मुझे याद दिला दिया कि खाना भी खाना है, मैं तो ऐसी हूँ कि काम में लग जाऊँ ना तो याद भी नहीं रहता है खाना खाने का, और भूल ही जाती हूँ बस। अकेले में यही टेंशन हो रही है अभी आजकल ना। पहले क्या होता था, शिल्पी रहती थी ना तो उसका लंच टाइम होता था, दोनों मिलके बैठ के आराम से खाना खा लेते थे। तो काम काम में इतना बिजी हो जाती हूँ ना कि भूल ही गई। कल भी हस्बैंड आए 3:30 बजे, मैंने खाना खाया। बस मेरी तो आदत ऐसी ही है, काम में लग जाओ ना फिर सब कुछ भूल जाता है, खाना खाना भी भूल जाता है। इस बार मैं ये स्टार वाले लेके आई हूँ, और इनका क्या होता है ना, ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं, सस्ते ही होते हैं। 20 रुपये का पैकेट है ये, तो काफ़ी चल जाते हैं, और इस बार तो मेरे बहुत ज़्यादा चल जाएंगे। हस्बैंड बहुत कम खाते हैं ऐसी चीज़ें, उनको बहुत कम पसंद आती हैं, कहते हैं मुझे नहीं ऐसी पसंद आती। वो नूडल मैगी ये सब भी नहीं खाते हैं, उनको ना नूडल भी पसंद नहीं आते हैं, मैगी भी पसंद नहीं आती है। मंचूरियन थोड़ा बहुत खा लेते हैं, वो भी घर पर बनाते तो खा लेते हैं, अदरवाइज़ वो बहुत कम खाते हैं ऐसी चीज़ें। स्नैक्स वगैरह में भी बहुत कम इंटरेस्ट रखते हैं, उनको नमकीन वगैरह पसंद आती है, सिंगदाना बहुत पसंद आता है उनको, और मतलब से कुछ गिनी चुनी चीज़ें नमकीन आती है वो भी उनको बहुत पसंद है, वो थोड़ी स्पाइसी होती है। एक बार मेरे एक फ्रेंड ने दी थी दमन से ना, उन्होंने होती थी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा, वो सूरत की थी स्पेशल, तो वो भी उन्होंने बहुत ज़्यादा खाई थी। मुझे ना परसों मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया था दमन से, बहुत अच्छा लगा, हमने तकरीबन 1-1.5 घंटा बात करी होगी, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। वो भी शिल्पी के बारे में पूछ रही थी कि शिल्पी कॉलेज चली गई, मेरा ब्लॉग देखती है डेली वो, तो वो बोल रही थी मैंने ब्लॉग देखा, बहुत उदास लग रहे थे। मैंने कहा हाँ यार बहुत, वहाँ पर होती ना तो उनके साथ बहुत टाइम पास हो जाता, क्योंकि शाम के टाइम योगा में चले जाते हैं या फिर घूमने चले जाते हैं, लाइट हाउस चले गए, बीच पर चले गए, कहीं पर भी ना, आराम से टाइम पास हो जाता है। सब बोलते हैं दमन आ जा वापस। मैंने कहा हाँ अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा दमन आने के लिए, लेकिन यार सब लोग याद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फ़ोन करते हो आप लोग अभी अच्छा लगता है, सामने से कॉल आती है ना बहुत मन खुश होता है। उससे पहले भी एक दो फ्रेंड का फ़ोन आया था तो भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मन खुश होता है मेरा उनसे बात करके। सब बोलते हैं कि आ जाओ यहाँ पे, अखिल का कॉल आ रहा है मुझे, तो चलिए मैं उससे बात कर लेती हूँ। डेजी चाय पिएगी? डेजू चाय पिएगी? चाय गरम गरम चाय?